शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चुन लेते मुझे तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने जो आपसे कहा था वो आप ले आए। ये लीजिए। आप जानती है ना कि आप क्या करना चाह रही हैं? ये लो अपना सामान और निकल जाओ इस घर से। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। जानती मैंने तुम्हें पहले ही बताया था श्रद्धा कि मेरे नफरत के रंग से दूर रहना, पर अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा इस होली में उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये सारी गलती हमारी है, हम ही दोषी हैं, हम ही दोषी हैं। मम्मी ऐसा मत करिए। मम्मी तो नहीं आप हमसे नहीं। भाभी 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 संभालिए खुद को, आपकी कोई गलती नहीं है। हमने खुद देखा है ना, आपकी परवरिश में कभी कोई कमी थी ना आपकी ममता में कोई दोष था। अगर यहाँ कोई दोषी है तो वो सिर्फ वरुण है। रितु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पे चलने की सीख नहीं देते हैं। ये तो बच्चे ही होते हैं जो बड़े होकर खुद ब खुद अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अरे और नहीं तो क्या, अरे हमारे बेटे को ही देखिए, आज तक वो गलत रास्ते पे कभी नहीं चला जबकि सब उसे हमेशा निकम्मा कहते रहे। और इस वरुण की तरह उसने किसी को अगवा नहीं किया और ना ही किसी को धोखा दिया और ना ही किसी गैर औरत के साथ नाजायज रिश्ता रखने जैसा गंदा काम किया कभी। अरे इससे तो अच्छा होता ताकि मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। मम्मी, मम्मी, मुझे मारो, मारो मुझे। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। गलती की आपको कई बार माफी थी, लेकिन आपने जो किया है ना वो पाप है और पाप की माफी हम नहीं देंगे। दोहरी जिंदगी जी के अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने होने वाले बच्चे की माँ को आपने धोखा दिया है। अब ये माँ उस माँ से कैसे नजरें मिलाएगी? किस्मत की लकीरों से